एपिसोड की शुरुआत में होता है एलन होता है वो बता रहा होता है कि कल तक वो शार्लेट को जानता भी नहीं था बट आज वो उसे नॉटी सेंस के बारे में क्रैश कोर्स है वो दे रहा है। मैंने अपने लेसन वन में शार्लेट को खाने के लिए काफी चीजें दी थी बट वो इतनी चीजें खाना नहीं चाह रही थी इसलिए मैंने उसे अपने मैजिक से प्रिजर्व कर दिया, पर ये काफी नहीं है इसलिए मैं उसे काफी ज्यादा खुशियां देना चाहता हूं जो ड्यूक के पास रहते हुए वो नहीं पा पाई। अगले सीन में दिखाया जाता है जो हमारा लॉन्ड एलन होता है उसने रात भर बैठ के कुछ काम है वो लिखे होते हैं जो कि शायद शार्लेट को पसंद आए, वो खुद की काफी ज्यादा सराहना है कर रहा होता है बट जैसे ही वो उस बुक को फिर से पढ़ता है उसे लगता है ये तो कचरा मैंने क्या कर दिया, इसलिए उस बुक को वो डस्टबिन में वो फेंक देता है। वो बोलता है कि लगता है मुझे और काम करना पड़ेगा। इतने में ही शार्लेट वहां आ जाती है और वो बोलते है कि बहुत बहुत गुड मॉर्निंग आपको, बोलते है कि आप आखिरकार इतने जल्दी उठ कैसे गए। तो हमारा लौंडा बोलने लगता है असल में मैं थोड़ा काम करते करते डेस्क स्पेस हो गया था। वो और कुछ बोले उससे पहले ही वो रियलाइज करता है कि शायद उसे उस कामों के बारे में नहीं बताना चाहिए जो वो लिख रहा था। शार्लेट बोलती है कि लगता है काफी ज्यादा बिजी रहने लगे क्योंकि मैंने कल नोटिस किया था कि आप सिर्फ अपना काम कर रहे थे यहाँ पे बैठ के। एलन बोलता है कि हाँ आजकल थोड़ा काम रहता है और मैं थोड़ा कमजोर भी फील कर रहा हूँ। एलन होता है वो बोलता है कि मैं अपने कमरे में आराम करने के लिए जा रहा हूँ तो तुम मेरे बिना ही ब्रेकफास्ट कर लेना। तो वो बोलती है ठीक है बट मैं आपको लंच के टाइम में वो उठाने आ जाऊंगी। तो वो बोलता है ठीक है कोई नहीं। तभी एलन होता है वो उसके हाथ में झाड़ू नोटिस करता है। वो बोलता है तुम इस झाड़ू से क्या कर रही हो। तो वो बोलती है कि असल में मैं इस घर की थोड़ी साफ सफाई कर रही हूँ। एलन सोचता है कि उसने तो अपने घर से ऐसी फालतू की चीजें कब की हटा दी थी क्योंकि वो मैजिक का इस्तेमाल करता है तो ये कहाँ से आई। इन सब चीजों को अपने दिमाग से हटाने के बाद वो बोलता है कि वैसे तुम इस घर की काफी सफाई कर चुके हो तो इतनी जरूरत भी नहीं है। शार्लेट बोलती है कि आपने मेरी जान बचाई और मेरे ऊपर एहसान किया है तो इतना तो मैं कर ही सकती हूँ आपके लिए। ये बात सुनते ही एलन होता है वो बोलने लगता है ये लड़की कितनी ज्यादा ही है वो भोली मासूम और कितनी प्यारी है। एलन होता है वो सोचने लगता है कि मुझे शायद उसे ये काम करने देना चाहिए और वो बोलता है कि देखो मैं नहीं चाहता कि तुम ये करो बट फिर भी तुम्हारे लिए कर सकती हूँ। शार्लेट बोलते है कि हाँ मुझे ये पसंद है क्योंकि ये मेरा डेली रूटीन है। तो वो बोलता है क्या मतलब है तुम तो ड्यूक के घर में रहती थी उनकी बेटी हो तो आखिरकार तुम ये सब क्यों करती थी। एलन अपने मन में ये भी बोलता है कि अमीर बंदा आखिरकार कितना ही गरीबी का दिखावा करे बट उसके घर में काफी मेड और सर्वेंट होते हैं और अपनी ही बेटी से इतने काम करवाना कहाँ का इंसाफ है भाई। उसे हद से ज्यादा सर्वेंट की तरह है वो ट्रीट किया जाता है उसके ऊपर झूठे झूठे इल्जाम लगाए जाते हैं कहाँ का इंसाफ है भाई। दूसरी तरफ इसमें गलती शार्लेट की है क्योंकि उसने अपने खिलाफ कभी बोलने की कोशिश ही नहीं की है। इस वजह से लोगों ने उसे डराने की आदत डाल ली है अगर कुछ करवाना हो तो डरा दो थोड़ा सा चाहे वो कोई भी हो प्रिंसेस हो प्रिंस हो फियांसी हो कोई भी हो। कहूँ तो उस दौरान अगर मैं वहाँ पे होता तो मैं उन सारे लोगों को चुटकी बजाते ही खत्म कर देता और ये वो चीज है वो फिक्शनलाइज भी कर लेता है। लोगों से कुछ ना कुछ सुनने के कारण शार्लेट होती है वो अपने दिल की बात कहने में असमर्थ है। इतने में ही होती है वो एलन के घर की घंटी बज जाती है और ये सुन के वो काफी हैरान होता है क्योंकि अभी तक पता नहीं होता कि शार्लेट के दुश्मन आए हैं या फिर कौन। सीधा होता है वो दरवाजे के पास है वो भागता है और बाहर जाके देखता है तो वहाँ पे उसे एक लड़की मिलती है और जो एलन होता है वो सीधा जाके शार्लेट के पास खड़ा हो जाता है। वो बोलता है कि ये मेरे घर की नई मेड है। लड़की होती है वो शार्लेट के सामने वो अपने आप को इंट्रोड्यूस करती है कि उसका नाम है वो मियांश और वो एक कुरियर कंपनी के अंदर है वो काम करती है। वो सोचती है कि शायद उसने शार्लेट को कहीं ना कहीं है वो देखा और वो सोचने लगती है और शायद उसे अखबार की बात याद आ जाती है। शार्लेट होती है वो काफी ज्यादा ये वो घबराने लगती है और पीछे जाने लगती है। इतने में ही एलन होता है वो बोलता है कि अब मुझे सबको संभालना पड़ेगा। वो बोलता है कि मियांश मैं तुम्हें कुछ समझा सकता हूँ बट इतने में मियांश बोलते है कि कोई जरूरत नहीं है वैसे भी कस्टमर का धंधा वो अपने आप हिसाब देखे मुझे कोई दिक्कत नहीं है। बिन्योरस किंगडम है वो हमारे बिरादरी से थोड़ा आगे पीछे तो कोई दिक्कत नहीं। वो लोग होते हैं वो उस लड़की यानी मियांश को है वो शुक्रिया अदा है वो करने लगते हैं बट वो बोलते है इसकी कोई भी है वो जरूरत नहीं और बहुत ज्यादा अजीब सा चेहरा बनाती है। तो वो दोनों बोलते हैं बाय द वे ये चेहरा किस लिए। अब एलन होता है वो मियांश को अपने घर के अंदर है वो ले जाता है। मियांश बोलती है कि आज के लिए कोई डिलीवरी है। तो एलन बोलता है कि हाँ मुझे एक चीज है वो पार्सल करवानी है। एलन बोलता है कि तुम इसे मैजिक स्टोर के अंदर है वो डिलीवर कर देना और याद से रखना कि इस चीज के अंदर की बोतलें हैं वो टूट ना जाए क्योंकि ये हाई डिमांडेबल चीज है जिसके पीछे यार पैसा खर्च होता है। मियांश होती है वो बोलने लगती है कि देखो यार तुम्हारे पास तो काफी पैसा है तो तुम्हें वो सिटी के अंदर क्यों नहीं रखते यार तुम्हारे लिए काम बहुत आसान हो जाएगा। एलन बोलता है कि सिटी के अंदर काफी लोग है वो रहते हैं और मुझे लोगों के साथ रहना पसंद नहीं है इस वजह से मैं जंगल में अकेला रहता हूँ। तो वो बोलने लगती है मियांश तो यार तुम्हें तो वहाँ पे तुम काफी यंग हो तुम्हें कोई भी जॉब मिल जाएगी। तो वो बोलता है कि अपने काम से काम रखो भलाई है तुम्हारी उसमें। मियांश काफी घबरा जाती है और वो बोलते है कि तुम्हारी इसी स्कैरी लुक की वजह से लोग तुम्हें डीमन लॉर्ड कहते हैं। एलन बोलता है कि कुछ भी मत फेंको इसमें मेरी कोई गलती नहीं है अगर लोग है वो कोई ना कोई कहानी बनाते हैं जैसे कि बच्चों के बीच में ये फेमस है कि अगर वो आधी रात में जंगल के बीच में जाएंगे तो डीमन लॉर्ड उन्हें पकड़ लेगा और पपेट बना देगा और जब कुछ बच्चे इस बात को झूठ मान के जंगल के अंदर आते हैं तो हमारा एलन होता है वो उन्हें कहीं ना कहीं से डरा देता है और बच्चे डर के भाग जाते हैं। मेरे निकनेम के कारण यहाँ पे काफी बच्चे आते हैं अपनी हिम्मत की महामारी करने बट उल्टा वही डर जाते हैं यहाँ से भाग जाते इसलिए मेरा निकनेम मुझे पसंद है वो नहीं है। तो शार्लेट बोलती है कि असल में तुम्हारा नाम है वो मतलब डीमन लॉर्ड निकनेम।
बोलता है कि और नहीं तो क्या। नाश होती है, वो बोलने लगती है कि देखो यार कितना बढ़िया बच्चा है यार, सभी को पसंद करता है बट अकेला रहना अच्छा लगता है। नाश उसे फिर से प्रेफर करती है कि शायद उसे अपने लिए कोई नई हॉबी ढूंढ के काम करना चाहिए। फिर से हमारा आलन बोलता है कि देखो यार तुम अपने काम से काम रखो, तुम्हारी इसमें ही है वो सहूलियत होगी, बट इससे वो काफी डर जाती है। अभी आलन बोलता है कि मैंने सुना है कि तुम्हारी कंपनी है वो मेल को भी डिस्ट्रीब्यूट है वो कर दे, क्या मैं सही हूँ? तो वो बोलती है कि बिल्कुल सही है, आप अपनी पसंद बताइए, हम आपको अभी बता देंगे। वो उसके सामने कुछ कैटलॉग्स है वो रख देते, वो बोलते है आप इसमें से पसंद कर लीजिए, बट हमारे आलन को इसमें कोई घंटा नॉलेज नहीं होती इसलिए वो शार्लेट को है वो दे देता है। आलन होता है वो बोलता है कि मैं कुछ है वो फालतू चीज है वो खरीद लेता हूँ, इसलिए मैं ये चॉइस है वो तुम पे छोड़ता हूँ। शार्लेट होती है वो काफी ज्यादा ही है वो खुश जाती है। तो एलन बोलता है तुम्हें कुछ और चाहिए? तो वो बोलता है कि नहीं यार। तो एलन बोलता है कि देखो परवाह करने की कोई भी है वो जरूरत है वो नहीं, अगर तुम चाहो तो मैं पूरी कैटलॉग की हर चीज है वो तुम्हें पसंद करके दे सकता हूँ। वो बोलता है कि चिंता मत करो। चीजें देख के मियाश होती है वो हंसने लगती है, वो बोलती है क्या फनी चीज है, बोलती है कि मैंने नहीं सोचा था कि डीमन लॉर्ड कभी किसी के सामने इतना है वो झुकेगा, अगर मैं तुम्हारी जगह होती तो इसको एक आध पंच है वो लगा देती। कि सबसे ज्यादा आसान चीज है अपना गुस्सा निकालने के लिए, इतने में ही जो एलन होता है उसके पंच को पकड़ता है। वो बोलता है अच्छा ये बात है। तो एलन बोलता है कि इस तरीके से मैंने शार्लेट को सिखाने के लिए दूसरी नॉटी चीज है वो पसंद की। लेकिन मियाश होती है वो हमारी शार्लेट के लिए एक ऑर्डर लेके आई होती है, शार्लेट एलन को है वो शुक्रिया अदा करती है, और जो मियाश होती है वो बोलती है अगर आपको कुछ और चाहिए हो तो सिर्फ मुझे बताइए। ये नोटिस कर लेता है कि मियाश की है वो है हमारी शार्लेट से काफी अच्छी बन रही है। मियाश वहाँ पे एक बहुत ज्यादा बड़ा पार्सल लेके आई होती है जिसे देख के शार्लेट बोलती है इसके अंदर क्या है। तो एलन बोलता है कि कुछ तो बढ़िया ही होगा। मियाश ये बोलती है कि आखिरकार करना क्या चाहते हो डीमन लॉर्ड? मियाश बोलती है क्या तुम्हें ऐसी चीजें पसंद नहीं है? तो वो बोलता है कि ऑब्वियसली बात है ये सिर्फ मैंने शार्लेट के लिए मंगाई है। मियाश की खौफनाक बातें सुनते हुए काफी ज्यादा घबरा जाती है हमारी शार्लेट। एलन होता है वो चुटकी बजा के उस चीज को है वो फोड़ देता है और उसके अंदर से एक पंचिंग बैग निकालता है। बोलती है कि इसके ऊपर तुम अपना पूरा गुस्सा निकाल सकते हो और प्रैक्टिस कर सकते हो पंचेस मारने की। शार्लेट बोलती है कि आखिरकार इससे मैं करूं क्या, तुम मुझे बताओगे? तो हमारा एलन होता है वो बोलता है कि आज हम करने वाले हैं एक और नॉटी चीज। मियाश कुछ गलत समझ लेती है, वो बोलती है कि आखिरकार तुम इतनी ज्यादा भोली लड़की के साथ करने क्या वाले हो? तो एलन बोलता है कि कुछ गलत मत समझो। अब एलन होता है उस पंचिंग बैग के ऊपर एक फोटो लगा देता है और वो बोलता है कि अब तुम्हें यहाँ पे एक गुस्सा निकालना है। ऑब्वियस सी बात है वो हमारी शार्लेट के पुराने फियांसी की फोटो होती है। वो बोलता है कि देखो जितना भी गुस्सा है उसके खिलाफ उतार डालो आज, देखो हर बार होल्ड बैक करना अच्छी बात नहीं होती है, इसलिए तुम जो कर सकती हो आज कर लो, अपनी इमोशन बाहर निकाल दो, क्योंकि हर चीज को अपने अंदर दबाए रखना एक बम की तरह होता है जो ज्यादा भरते ही फट जाएगा। शुरुआत में किसी को मारना पीटना है वो बहुत बुरा लगता है, बट जैसे तुम्हें इसकी आदत पड़ जाएगी मजा आ जाएगा। मियाश होती है वो बोलती है कि क्या विलन की तरह बातें कर रहे हो? वो हमारी शार्लेट मना करने लगती है कि वो अभी बिल्कुल भी गुस्सा है वो नहीं है। तो हमारा जो एलन होता है वो बोलता है कि मैंने इस फोटो को है वो काफी न्यूज़पेपर में से छाट के निकाला है जहाँ पे तुम्हें ऐसा विलन देखा जाता है, जिस जगह के ऊपर तुम्हें वो जिंदा रही हो वहाँ पे तुम्हें कुछ भी नहीं माना जाता है। तो वो बोलती है इसमें क्या हुआ? एलन बोलता है क्या हुआ मतलब तुम्हें ऐसे ही भगाना मारना ये सब ऐसे ही चलेगा? मियाश को परवाह होने लगती है कि अगर बात और आगे बढ़ी शायद हमारा डीमन लॉर्ड आगे ना बढ़ जाए। मियाश बोलने लगती है कि आज तक मैंने सिर्फ अपने आप को है वो गिल्टी माना है कि मेरे जैसे चीज के कारण हमारे प्रिंस को काफी ज्यादा एम्बेरस होना पड़ा है क्योंकि मैं कमजोर हूँ एक रखेल की बेटी हूँ। ये होता है हमारे एलन की बुक का एक प्लान जहाँ पे वो उतना हो सके उतना गुस्सा दिलाएगा जिससे वो अपने गुस्से को बाहर निकाले, वो अपने गुस्से को जितना बाहर निकालेगी उसके लिए इतना ही अच्छा होगा। शार्लेट को काबू करने के लिए इतना काफी नहीं है, उसकी फीलिंग्स उसके दिल के काफी करीब आ रही है। हालांकि उसके साथ कुछ भी गलत हुआ वो हर चीज का जिम्मेदार है वो खुद ही को ही है वो मानती है, ना कि प्रिंस ना फिर किसी ड्यूक को। आश होती है वो हमारे एलन को बोलती है कि वैसे किसी के फैमिली मैटर में ऐसे टांग नहीं अड़ानी चाहिए बट मैं तुमसे बोलती हूँ कि उसे सिर्फ 2 मिनट के लिए अकेला छोड़ दो फिर देखो जादू। बेवकूफाना हरकत करते हुए हमारा एलन बोलता है कि अगर तुम्हें इस चीज को मारने में दुखी हो रही हो तो तुम मुझे मार सकती हो। एलन बोलता है क्या तुम्हें मैं सुनाई नहीं दिया? तो वो शार्लेट घबरा के बोलती है क्या बकवास कर रहे हो? एलन बोलता है कि देखो कुछ है वो गलत मत समझो, मैं कुछ नहीं करता, ये सिर्फ एक नॉटी थिंग का पार्ट है, उसे समझाओ। नॉटी थिंग्स अमेरिका वाली वीडियो मिलती है। एलन होता है वो शार्लेट फोर्स करता है कि वो जितनी तेजी से हो सके उससे हिट करे बट वो मना करती है। एलन होता है वो बोलता है कि तुम चाहो ना चाहो तुम्हें तो ये करना ही पड़ेगा। उसके ग्लव के ऊपर है वो मैजिक कर देता है जिससे उसका ग्लव होता है वो ऑटोमेटिकली उसके गुस्से के तारीख से हिसाब से उसके पंच मार देता है। क्या कहता है जहर पंच मार रहा है भाई, रेसलर फेल है। एलन बोलते है कि मैंने ये कुछ नहीं किया। तो हमारा जो लौंडा होता है एलन बोलता है ये सब मैंने किया, मैं चाहता था कि तुम मुझे हिट करो। वो बोलता है कि तुम्हारा पंच है वो काफी ज्यादा अच्छा था बट यहाँ पे मियाश है वो काफी ज्यादा ये वो एक्साइटेड हो जाती है। तभी भी शार्लेट का जो ग्लव होता है वो हार नहीं मान रहा होता है, वो उसे मारने के लिए दौड़ रहा होता है। इतने में एलन एक ऐसी बात बोलता है जो दिल को छू जाती है। वो बोलता है कि चाहे तुम मुझे कितना भी मारो
करो, मुझे कितना भी ब्लेम करो, मैं तुम्हें कभी अपडोमेन नहीं करूंगा। तुम इसे अपना ही घर समझ सकती हो, तुम फ्री हो, तुम्हें कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। चार्लट बोलती, क्या तुमने मुझे ये सब कहने के लिए अपने आप को पंच मरवाया? तो बोलते कि हाँ, क्योंकि यार किसी के दिल की बात दिमाग तक पहुंचाने में थोड़ा टाइम तो लगता है। यहाँ पे काफी प्यारा माहौल होता है, वो क्रिएट हो जाता है। चार्लट को देख के हमारा एलन बोलता है कि चिंता मत करो, अगर तुम इस चीज को चोट समझ रहे हो तो मैं बता दूं, इसे पल भर में हील कर सकता हूं। और वो अपने मैजिक से ये कर भी देता है। तो ये भी बोल देता है कि बिना डरे जो तुम चाहो वो कर सकती हो। चार्लट बोलती है कि बट इससे ये थोड़ी बदल जाएगा कि तुम्हें चोट लगी थी। इतने ही में मियाश होती है, वो काफी ज्यादा इरिटेट हो रही होती है। चार्लट बोलती है एलन से, आइंदा ये हरकत मत करना कभी। यहाँ पे चार्लट थोड़ी सी होती है, वो इमोशनल होने लगती है, तो एलन उसके हाथ से पंच तुरंत ही निकाल लेता है। अब यहाँ पे चार्लट भी डिसाइड कर लेती है, आज तक वो काफी चीजों से डरी है बट अब नहीं डरेगी। और वो सोचती है कि अब जो होगा देखा जाएगा, मार जाओ। एलन बोलता है कि कोई नहीं, जितना टाइम हो सके तुम ले सकते हो। उसकी एक मुस्कुराहट हमारे एलन के चेहरे पे भी मुस्कुराहट ला देती है। एलन निया से माफी मांगता है कि उसकी मेहनत यहाँ पे तो ये सब सामान लाने की बर्बाद हो गई। बट निया बोलते है कि चिंता मत करो, इन फ्यूचर तुम काफी चीजें मंगवाने वाले हो, जैसे बेड, कुछ रिंग, कुछ बच्चों के लिए ट्रॉली व्रॉली। एलन सोचता है कि आखिरकार वो ये सब चीजें क्यों मंगाएगा। मियाश की प्लानिंग हो जाती है यहाँ पे पूरी सक्सेसफुल, की फ्यूचर में भैया माँ बहन बना के छोड़ेगी। दूसरी तरफ उन लोगों के ऊपर कोई नजरे गड़ाए बैठे होता है। वेल, मैं मिलता हूँ तुमसे अगली किसी वीडियो में, तब तक के लिए सायोनारा और बाय बाय।